हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस। हम आगे हम देखेंगे इंडिया ड्रॉप्ड फ्रॉम चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट। सो ये जो है रिसेंटली न्यूज में है एंड इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी आईएएस पीसीएस एसएससी। सो चलिए देखते हैं इंडिया किस लिए जो है बाहर हो गया फ्रॉम द चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से। सो बेसिकली ईरान जो है अभी रिसेंटली डिसाइडेड क्या है, उसका जो चाबहार रेल लाइन कंस्ट्रक्शन है वो खुद करेगा। ओके ये जो है क्योंकि किस लिए ना, क्योंकि इंडिया साइड से क्या है ना, बहुत डिले हो रहा है। ओके एक तो हो गया फंडिंग एंड वो जो रेलवे जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट करना, ये सब कुछ इंडिया साइड से डिले हो रहा है। सो दैट चाबहार जो है जो कि रेलवे कंस्ट्रक्शन लाइन है वो अभी क्या है ना, ईरान चाहता है कि इंडिया को ड्रॉप करने के लिए। ओके सो चाबहार पोर्ट के बारे में देखेंगे। चाबहार पोर्ट जो है लोकेटेड है कहाँ पे ना, गोल्फ ऑफ ओमान में एंड नियरली 72 किलोमीटर फ्रॉम द गदर पोर्ट पाकिस्तान। ओके सो पाकिस्तान में जो है गदर पोर्ट है एंड वहां से 72 किलोमीटर जो है कहाँ से ना, पाकिस्तान से जो गदर पोर्ट से 70 किलोमीटर टू डिस्टेंस है। ओके एंड गदर पोर्ट जो है ये है चाइना जो है इसको डेवलप किया है पाकिस्तान में। सो मैप के सहायता से हम देखेंगे, ये है मैप हो गया। तो मैप में देखिए सो गोदर पोर्ट जो है सो यहां से स्टार्ट हो रहा है। ओके सो दिस इज द लाइन, ओके ये जो है जो कि रेल लाइन है। ओके ये कौन सा जो कि कंट्री को कनेक्ट कर रहा है, एक तो हो गया अफगानिस्तान काबुल, देन यहाँ पे आ गया जहदान आ गया। ओके देन ये जो है गल्फ ऑफ ओमान में है, ये ईरान में है। ठीक है ये जो है इसका जो नाम है चाबहार पोर्ट। ये सी रूट जैसे क्या है, ये हो जाता, ये पोर्ट हो जाता तो इंडिया के लिए देखिए कितना इजी होता। सी रूट में क्या है ना, जितना सामान जो कि सेंट्रल एशिया में जो कि ट्रेड करने के लिए इसको क्या है ना, बहुत इजी होता। यहाँ पे देखिए ये जो है गदर पोर्ट है, गदर पोर्ट किसने ना, ये चाइना जो है ठीक है डेवलप किया है, डेवलप बाय चाइना। ओके ओके ये जो फोर्ट है, ये पोर्ट ये बेसिकली क्या है, ये एक ओशनिक फोर्ट है और ये ईरान का है एंड ये जो है कंसिस्ट है टू सेपरेट पोर्ट्स नेम्ड शहीद बेसाती एंड शहीद जो कि कलंतारी। ईरान जो है इनॉग्रेटेड किया था ये जो है ट्रैक लेइंग प्रोसेस जो कि 628 किलोमीटर जो कि चाबहार जादेन रेलवे लाइन जो कि फ्यूचरली एक्सटेंडेड जो कि है जरंज अक्रॉस द बॉर्डर इन द अफगानिस्तान। मैंने मैप में ऑलरेडी मेंशन कर दिया, द एंटायर प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीटेड होना चाहिए था मार्च 2022 तक, बट अभी जो कोई क्या है ना इंडियंस इंडिया का तरफ से जो है ये डिले हो रहा है। इसलिए ईरान जो कि चाहता है क्या ना, खुद करेगा खुद का जो फंड में। बट ईरानियन रेलवे विल बी यूज अप्रोक्सीमेटली $400 मिलियन फ्रॉम द ईरानियन नेशनल डेवलपमेंट फंड एंड बैकग्राउंड देखेंगे 2016 में जो है ईरान इंडिया अफगानिस्तान साइन किए थे एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट। ओके ये एग्रीमेंट में क्या था ना, ये एग्रीमेंट में एस्टेब्लिश द ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एमंग द थ्री कंट्रीज यूजिंग द चाबहार पोर्ट इन द ईरान एज वन ऑफ द रीजनल हब्स फॉर द सी ट्रांसपोर्टेशन जो कि ट्रांसपोर्टेशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल लाइन जो है चाबहार पोर्ट टू जो कि जहदान एलोंग विथ बॉर्डर ऑफ द अफगानिस्तान जो कि अल्टरनेटिव रूट है जो कि अफगानिस्तान अफगानिस्तान जो कि है अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करने के लिए। सो स्टेट ओन इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन जो कि IRCON बोलते हैं उसको, उसने साइन किया था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई थी ना ईरानियन रेलवे मिनिस्टर
जो कि ये काम करने के लिए सर्विस जो कि सुपरस्ट्रक्चर वर्क एंड फाइनेंसिंग ये सब करने के लिए फर्मिजिंग किया था। चाबहार पोर्ट जो है इज बीइंग कंसिडरेड ए गेटवे टू द गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो कि ट्रेड के लिए। सो ये बेसिकली किस लिए, एक तो हो गया मैंने जो मैप दिखाया था उसमें दिखा होगा आपने। सो लैंड के तरफ से पाकिस्तान है, इंडिया के बाद पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान ईरान है। तो पाकिस्तान को क्या है ना डिनाय करके ये जो है ट्रेड करने के लिए ये जो चाबहार पोर्ट को तीनों जो कि ट्राइलेटरल ठीक है एग्रीमेंट किए थे। सो रीजन क्या है, रीजन ये अभी देखेंगे तो बेसिकली क्या है ना इंडिया क्यों अभी तक स्टार्ट नहीं किया, ठीक है इसमें भी बहुत कन्फ्लिक्ट है, ट्रेजेडी है। क्या है ना इंडिया इसलिए स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि जो कि यूएसए जो है सैंक्शन डाला है ईरान के ऊपर। ओके सो इंडिया है जो ऑलरेडी क्या है ना सैंक्शन डालने के बाद यूएसए, सो इंडिया बहुत तेल जो है जीरो आउट इट्स ऑयल जो कि इम्पोर्ट कर रहा है ईरान से। एंड यूएसए हैड प्रोवाइडेड ए सैंक्शन ऑर्डर फॉर द चाबहार पोर्ट एंड रेल लाइन बट इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड इक्विपमेंट सप्लायर्स एंड पार्टनर्स ड्यू टू वरीज ऑफ बींग टारगेटेड बाई यूएसए। सो एनदर रीजन क्या है और एक सो चाइना का जो है इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो गया। सो कॉम्प्रेसिव प्लान फॉर द कोऑपरेशन बिटवीन ईरान एंड चाइना जो है एक 25 ईयर्स $400 बिलियन जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर डील हो गया वहाँ पे। सो बोथ नेशन आर क्लोज टू फाइनलाइज द डील बट व्हिच विल बी इंक्लूड द चाइनीज इन्वॉल्वमेंट, इसके वजह से भी जो कि इंडिया को और जो कि ड्रॉप कर रहा है चाइना करेक्शन दैट इज द ईरान। ओके द कोऑपरेशन विल एक्सटेंड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग अपग्रेडिंग एनर्जी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ओके ये सब क्या है ना चाइना करेगा, प्रॉमिसिंग क्या है, कमिटमेंट क्या है। एंड ईरान प्रपोज द टाई ऑफ बिटवीन चाइनीज रन पाकिस्तानी पोर्ट ऑल्सो एट द गोदर एंड चाबहार इन द 2019 एंड ऑफर्ड इंटरेस्ट टू द चाइना इन द बंदरी जस्क पोर्ट 350 किलोमीटर्स फ्रॉम अवे फ्रॉम द चाबहार एज वेल एज चाबहार ड्यूटी फ्री जोन ऑल्सो। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू।